हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका भी नौवां महीना लग गया है, क्योंकि नौवां महीना प्रेगनेंसी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महीना होता है, क्योंकि इस महीने सिर्फ आपको अपने बेबी के आने का वेट होता है। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे 6 लक्षण मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आप इजीली पहचान पाएंगे कि आपका बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार है या नहीं है। जो लक्षण मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर वो लक्षण आपको फील हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपका बच्चा जन्म लेने के लिए अब तैयार हो चुका है। मतलब कि अब आपकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है, डिलीवरी में बहुत ही कम समय अब बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो घंटे उसको दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए, और लाइक और शेयर करके अपना ढेर सारा प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि आगे और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप सबके लिए ला सकूं और आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि नौवें महीने में आपके बार बार डॉक्टर के पास चक्कर लग सकते हैं, क्योंकि इस महीने ऐसी बहुत सी दिक्कतें होने लगती हैं जिनसे आप घबरा जाते हैं और डॉक्टर के चक्कर लगाने स्टार्ट कर देते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चेक करके आपको बताते भी हैं कि आपका बच्चा अब जन्म लेने की सही पोजीशन में आया है या नहीं आया है, अभी डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा, डॉक्टर आपको क्लियर कर देता है। लेकिन पहली बार माँ बनती है लेडीज़, उनको पता नहीं होता कि क्या कैसे होना है, कब बच्चा होगा, वो जो ये सिम्टम होते हैं उनको पहचान नहीं पाती हैं। तो मैं आपको ऐसे 6 इजी सिम्टम बताऊंगी, जिससे अगर आप पहली बार माँ बनने वाली हैं बहुत ज़्यादा आसान रहेगा पहचानने में कि आपकी डिलीवरी अब होने वाली है, मतलब कि आपका बच्चा अब जन्म के लिए तैयार हो चुका है। सबसे पहला लक्षण जो आपको नज़र आएगा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि शायद आपका बच्चा बिल्कुल नीचे ही गिर जाएगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल नीचे ही आ गया है और दोनों टांगों के बीच में आकर उसका सर फंस गया है। आप जब चलेंगे तो आपको दिक्कत होगी, जब आप खड़े होंगे तो दिक्कत होगी, जब आप बैठेंगे तो भी आपको दिक्कत होगी, मतलब चैन आपको कहीं नहीं रहेगा, ना चलने में, ना बैठने में, ना खड़े होने में और ना ही लेटने में। ऐसा फील होने लगेगा कि कहीं ऐसा नहीं बच्चा बिल्कुल नीचे ही गिर जाए। तो आप घबराइए मत, ऐसा नहीं होता है, बच्चा आपके अंदर ही रहता है जब तक आपकी डिलीवरी का टाइम नहीं आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका बच्चा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, मतलब बच्चा पूरे तरीके से अपना हेड डाउन कर लेता है, मतलब जन्म की अपनी सही पोजीशन ले लेता है। डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन मानी जाती है। जब आपका बच्चा नीचे अपना सर कर लेगा तभी जाके नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है और डिलीवरी जल्दी भी हो जाती है। तो आपने एक लक्षण से तो जान लिया कि अब आपका बच्चा जन्म के लिए तैयार हो चुका है। दूसरा लक्षण आपको क्या नज़र आ सकता है? आपके पेट के निचले हिस्से पर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, पीठ के निचले हिस्से में भी आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब बच्चा हेड डाउन कर लेगा तो उसका जो सारा वेट होगा वो आपके यूरिनरी ब्लैडर पर तो पड़ेगा ही, जिस वजह से आपको ज़्यादा यूरिन तो आएगी ही। इसके साथ जब नीचे बेबी सिर कर लेगा तो आपके जो पेल्विक एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिस वजह से आपको दर्द वहाँ फील हो सकता है। अब पीठ के निचले हिस्से में क्यों दर्द होगा? क्योंकि जब बच्चा हेड डाउन कर लेगा तो जो बेबी का जो सारा वेट है वो आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर पड़ने लगेगा, जिस वजह से आपको पीठ के निचले हिस्से में भी दर्द हो सकता है। तो अगर आपको भी ऐसा होने लगा है, आपके बच्चे ने अब जन्म के लिए अपनी पोजीशन लेना शुरू कर दी है, मतलब कि अब आपका बच्चा कभी भी जन्म लेने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको नज़र आएगा कि आपको जो सांस लेने में तकलीफ होती थी वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ ही दिनों में कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, थोड़ा सा आपने सीढ़ियाँ चढ़ ली, थोड़ा सा आप चल लिए पैदल तो आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि बच्चा आपके जस्ट चेस्ट के नीचे होता था, जिस वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाती थी। लेकिन अब क्या होगा जब बच्चा जन्म के लिए तैयार हो जाएगा, कि आपको जो सांस लेने में तकलीफ की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बच्चा आपके जो चेस्ट के नीचे का एरिया है वो बच्चा खाली कर देगा और नीचे की तरफ खिसक जाएगा, जिससे आप सांस लेने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। चौथा सिम्टम जो आपको नज़र आएगा वो होगा कि आपको वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगेगा। वेजाइनल डिस्चार्ज, जैसे कि जिसको हम म्यूकस प्लग भी बोलते हैं, एक चिकना चिकना गाढ़ा तरल पदार्थ से आपकी वेजाइना के थ्रू डिस्चार्ज होने लगेगा। उसमें आपको क्या होगा कि
एकदम कफ की तरह आपको लगेगा और उसमें लाल लाल धारियां भी ब्लड की आपको नज़र आएंगी। ये म्यूकस प्लग होता है, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक आपकी डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। जब ये निकलेगा तभी बच्चेदानी का मुंह खुल पाएगा और तभी आपका बच्चा डिलीवर हो पाएगा, मतलब तभी आपकी डिलीवरी हो पाएगी। ये कब होता है, जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है। जैसे ही बच्चा हेड डाउन करेगा तो आपके जो बच्चेदानी का नीचे वाला हिस्सा है उस पर दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से म्यूकस प्लग निकलना स्टार्ट होगा और म्यूकस प्लग निकलने के बाद आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाएगा और आपकी डिलीवरी जल्द से जल्द हो जाएगी। तो ये भी एक सिम्टम होता है। अगर आपको भी वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ गया है 9वें महीने में तो समझ लीजिए कि आपका बच्चा अब जन्म के लिए तैयार हो चुका है। इसके बाद जो पांचवा लक्षण आपको नज़र आएगा कि आपके पेट के आकार में बदलाव आ जाएगा, जिससे आप इजीली समझ जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इजी सिम्टम है जिसे आप देखकर पहचान सकते हैं। पेट के आकार में कैसे बदलाव हो जाएगा कि जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है पेट का, वो आपको खाली खाली सा नज़र आएगा और नीचे ही आपका सारा बच्चे का वेट चला जाएगा। एक चपटा सा आपका पेट नज़र आने लगा, जितना बड़ा पहले दिखता था पेट अब उतना नहीं दिखेगा, जितना सारा पेट का आपका आकार है वो आपको नीचे नीचे फील होगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपका पेट पहले बड़ा था और अब सिमट कर बिल्कुल एक जगह छोटा हो गया है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बच्चे ने जन्म की पोजीशन ले ली है और आपकी डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है। छठवां लक्षण जो आपको नजर आएगा कि आपको लूज मोशन होने लगेंगे, पेट में मरोड़ आपको फील होने लगेगी, मतलब कि जो आपको कब्ज की शिकायत अब तक होती आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि जब बच्चा जन्म के लिए अपनी पोजीशन तैयार कर लेता है तो आपको आपकी जो कब्ज की शिकायत होती है वो दूर हो जाएगी, आपका जो स्टूल है वो इजीली पास होने लगेगा और क्या होगा कि आपको शायद लूज मोशन भी हो सकते हैं। जब लूज मोशन की प्रॉब्लम आपको 9वें महीने में ज़्यादा होने लगे, आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाए, ये फिर रिस्की हो सकता है क्योंकि इससे आपको पानी की कमी हो सकती है। इसलिए इस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर थोड़े थोड़े से आपको लूज मोशन हो रहे हैं थोड़े टाइम पे, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। ये 9वें महीने में डिलीवरी का सिम्टम होता है, इसलिए आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे लक्षण अगर आपको मिल रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपका बच्चा जन्म के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और डिलीवरी का जो प्रिपरेशन है ना उसको करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब बच्चा जल्दी ही आपके पास आने वाला है। और क्या कि जैसे ही आपको ये लक्षण नज़र आते हैं, सबसे पहला जो प्रॉमिस आपको करना है कि घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे ही थोड़े बहुत आपको सिम्टम दिखते हैं कि कभी लीकेज ज़्यादा हो रहा है, ये ऐसे सिम्टम है जिससे आप अलर्ट हो सकती हैं कि हाँ अब आपकी डिलीवरी होने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को अभी जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटी है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।